अंसारी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। नई संसद के सुरक्षा में सेंध का मुद्दा गर्म है। इसमें विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है और जांच की मांग कर रहा है। बता दें कि इस मामले में अब तक 6 आरोपियों की संलिप्तता सामने आई है। 5 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं मामले में मास्टरमाइंड ललित झा ने गुरुवार रात को दिल्ली पुलिस के सामने खुद सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे अपने कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में ललित ने बताया कि वो राजस्थान से ही लगातार सारी चीजों पर नजर रख रहा था। जब उसे लगा कि पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश कर रही हैं, तो वो वापस दिल्ली आया और गुरुवार रात उसने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। ललित के पास ही अमोल, मनोरंजन, सागर और नीलम के फोन थे। वो अपने फोन से भी लगातार घटना का वीडियो बना रहा था, लेकिन राजस्थान में जाकर उसने सबके फोन नष्ट कर दिए। हालांकि पुलिस को शक है कि ललित इन्वेस्टिगेशन में खलल डालने के लिए पुलिस से झूठ बोल रहा है, इसलिए पुलिस ललित के हर बयान को वेरीफाई कर रही है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने महेश और कैलाश नाम के उसके साथी को भी हिरासत में लिया है। पुलिस को शक है कि महेश भी इस पूरी साजिश में शामिल है। जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मास्टरमाइंड ललित झा दिल्ली से सीधा राजस्थान के नागौर भाग गया था। यहां वो महेश नाम के शख्स के ठिकाने पर पहुंचा और महेश को भी 13 दिसंबर को दिल्ली संसद भवन पर आना था। महेश को इस साजिश की पूरी जानकारी थी, जिसके बाद महेश और ललित दोनों दिल्ली पहुंचे और कर्तव्य पथ पर थाने में सरेंडर कर दिया। दिल्ली पुलिस महेश की भी तलाश कर रही थी। सुरक्षा सेंध मामले का मास्टरमाइंड ललित झा घटना का वीडियो बनाने के बाद तुरंत मौके से फरार हो गया था। बता दें कि ललित दिल्ली से बस पकड़कर राजस्थान के नागौर चला गया। वहां उसने रात होटल में बिताई थी। इसके बाद जब उसे पता चला कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है, तो वो फिर महेश के साथ बस से दिल्ली वापस आ गया और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस इस मामले में गिरफ्तार कुल 4 लोगों को आज कोर्ट में पेश कर चुकी है। उन्हें 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने लेने का आदेश दिया है। पुलिस ने इस मामले में सागर शर्मा, डी मनोरंजन को संसद के अंदर से और नीलम देवी और अमोल शिंदे को संसद के बाहर से अरेस्ट किया था, लेकिन आरोपी ललित झा फरार था। ये सभी अलग अलग 5 राज्यों के रहने वाले हैं। पुलिस ने आतंकवाद के आरोप में UAPA की धाराओं में इन पर FIR दर्ज की है। इस पूरे मामले में सीनियर DGP की अगुवाई की एक जांच कमेटी गठित की गई है। इसमें अलग अलग एजेंसियों से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है। जांच टीम 15 से 20 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपेगी, उसके बाद इस मामले में एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही।